हेलो गाइस, तो आज हम फिर से आ गए हैं एक न्यू वीडियो में। और गाइस, आप इस मोटर को देख के समझ ही गए होंगे, हमने इस मोटर के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो डाल दिया है। 775 डीसी मोटर होता है, 5 mm की इसकी साफ्ट होती है। इस साइड में इनकी शॉर्ट दिख रहा होगा, इसका जो साफ्ट कनेक्टर होता है ड्रिल चेक कितना महंगा आता है। तो मैं आज बिल्कुल फ्री में आपका बना के इसको दिखाने वाला हूँ, और गाइस उनसे अच्छा ये वर्क करेगा। और आज तक ऐसी वीडियो यूट्यूब पर किसी की नहीं आई होगी। ये साइकिल वाला है, लेकिन आपको अभी वीडियो को कट करके नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा तरीका बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले जो ये साइकिल वाल है गाइस, इसको हमें इसके शाफ्ट के ऊपर रोकना होगा। तो हमें इसको रोक तो किसी भी चीज़ से देंगे, लेकिन हमें इसको ऐसे रोकना है जिससे कि गाइस ये बिल्कुल इक्वल घूमेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पे, क्योंकि कपड़ा गाइस जो है ना इसकी चारों तरफ आ जाएगा। अगर आप इसके नीचे धागा वागा लगाओगे तो गाइस पीछे की तरफ निकल जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं ठोकेंगे, आगे से ठोकेंगे ना तो इसकी शाफ्ट पीछे की तरफ निकल जाएगी, मोटर डैमेज हो जाएगा। तो इसके शाफ्ट के नीचे आपको एक लकड़ी का पीस लगा देना है, और जो ये कपड़ा है ना, इस कपड़े को अब इसकी शाफ्ट के ऊपर लगाना है। और गाइस जो यहाँ पे साइकिल वाले, अब इस वाल को लगाना है, और अब इस वाल को आपको सिंपली ठोक देना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अब गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, इसको आप किसी भी चाकू कटर से कट कर लेना, और फिर इसको कट करके फेंक देना। इसके जो बीच का एरिया है वो इस शाफ्ट के अंदर लगा हुआ है। अब गाइस ये बिल्कुल अच्छे से घूमेगी, लेकिन निकल सकती है। तो हम इसको जो सुपर ग्लू होता है इसकी मदद से यहाँ पर इसको चिपका देंगे। गाइस आपको 2 बूंदी इसमें डालनी है बस। गाइस आपको ध्यान रखना है, जो मोटर की शाफ्ट है ये जाम नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। 2 बूंद हम आगे से डाल देंगे फेमिक्विक की। अब ये बिल्कुल भी गाइस नहीं निकलना चाहिए, कितनी तेजी पे आप इसको घुमाओ। क्या गाइस, अब यहाँ पे हमें जो ड्रिल बिट है इसको लगाना है, इसके कनेक्टर हमें यहाँ पे बनाना होगा। गाइस काफ़ी लोग क्या करते हैं, MCL लेते हैं और इसमें लगा के और इसके अंदर लगा देते हैं, लेकिन गाइस वो अनबैलेंस होता है और गाइस जल्दी ही वो टूट जाता है, बाहर नहीं निकाल सकते हमने जब उसको एक बार लगा दिया। तो हम ऐसा बनाएंगे जिससे हम निकाल सकते हैं और वापस इसको लगा सकते हैं। तो गाइस ये मैंने पैन ली है यहाँ पर, इस पैन को हमें इतना कट करना होगा। गाइस इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारी जो इसकी जो वाल है वो भी इतनी ही होती है, हमें वाल से थोड़ा छोटा इसको रखना है। तो अब गाइस यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा। फाइनली यहाँ पर गाइस ये कट हो चुके हैं। गाइस वीडियो को कट नहीं करना है, क्योंकि गाइस ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई अभी तक। तो हमें इसके अंदर इसको लगाना है, तो हमें इसकी जो है ना इसको बारीक करना होगा, जो पैन है इसको बारीक करना होगा। तो बारीक करने के लिए मैं मोटर का यूज़ करूँगा, इस पर लगा के हम इसको जैसे चलाएंगे ना, और इसको थोड़ा थोड़ा सा हम इसको कटर की मदद से किसी भी चीज़ से इसको नीचे से घिसते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे इसको नीचे से बारीक कर देना है। तो गाइस अब हमें इसकी आगे की नोक भी बना ली है। अब गाइस ये ऐसा हो चुका है जैसे गाइस मार्केट से हम लेकर के आते हैं ना ड्रिल चक, सेम वैसे ही हो गया। मार्केट में तो गाइस नहीं मिलता, ऑनलाइन मिलता है। तो गाइस अब जो ये ड्रिल बिट है इसको हम लगाएंगे, लेकिन गाइस इसके आगे हमें होल करना होगा इसी साइज का। 3 mm का हमारा बीट है, 3 mm का होल करना होगा। गाइस हाथ से नहीं होगा, हमें क्या करना है, मोटर को चलाना है और इसको पकड़ के रखना है। गाइस इसके आगे होल हो जाएगा, गाइस पूरे में होल नहीं करना, आपको बस थोड़ी आगे तक ही इसमें होल करना है, जहाँ पे गाइस ये मोटा जोड़ बना हुआ है वहाँ तक होल करना है। अब गाइस ये ड्रिल बीट है ये इसके आगे ऐसे आ जाएगा और बिल्कुल सीधा आ रहा है। अब गाइस हमें इसमें एक प्लस जैसा निशान बनाना है, जैसे गाइस ऑनलाइन लेते हैं ना सेम उन्हीं में आता है, सेम ऐसे ही हमने इसमें प्लस वाला निशान बना दिया है। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी से। तो गाइस अब देखिए जो ये ड्रिल बिट है ये इसके अंदर इजीली आ जाता है। अब गाइस हमें इसको यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे से आ चुका है। अब जो इसका नट आते हैं ना, जो इसका ढक्कन आता है, इसको आपको टाइट कर देना है। जैसे गाइस आप इस ढक्कन को टाइट करोगे, ड्रिल बिट यहाँ पर टाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकलेगा और बिल्कुल बैलेंस में ही रहने वाला है। तो गाइस अब मैं इसको चला के देखता हूँ। ये गाइस इधर से उल्टा चल रहा है, वायर को चेंज कर देना है आपको, और यहाँ से सीधा चल रहा है। तो गाइस देखिए ज़्यादा अनबैलेंस नहीं हो रहा, गाइस निकलेगा भी नहीं, क्योंकि हमने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया है और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब गाइस जो ये वायर है ना, इसको हमें यहाँ पर ऐसे टाइट कर लेंगे, ठीक है गाइस। इन वायर को टाइट करने के बाद अब गाइस जो इसकी टेस्टिंग है वो हम यहाँ पर चालू करेंगे, कि गाइस ये कैसा चलता है, कैसा ये वर्क करता है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले इस ढक्कन को लेंगे और इसको वायर को जोड़ते हैं। गाइस ये वायर टच होते ही इसमें होल हो गया यार, 1 सेकंड भी नहीं लगी। फिर से करते हैं और ये देखिए गाइस वायर को टच करते ही होल हो जाता है। हमारा ड्रिल चक काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, मोटर भी पावरफुल है गाइस, ये मोटर भी पावरफुल है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर इससे छोटे मोटर का यूज़ करिए वो थोड़ा वक्त लेगा। यहाँ पे देखिए जो बांस की लकड़ी है गाइस पूरी ठोस है, गाइस काफ़ी बांस ऐसे आते हैं उसमें काफ़ी बड़ा होल होता है, ये इसमें बिल्कुल बारीक होल था। तो इसके अंदर हम होल करके आपको दिखाने वाले हैं।
सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें छेद कर लेंगे जिससे हमारा जो बीट है वो इसके ऊपर टिक जाएगा और फिर इसलिए चलने में मतलब हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे इसको चला रहा हूँ, देखिए मैंने इसको रोक लिया है, काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है गाइस। तो अब यहाँ पे मैं इसको वीडियो का अभी मैं बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया, जब वीडियो को फास्ट करूँगा मैं आपको बता दूंगा। होल्ड काफ़ी अच्छे से कर रही है ये मशीन। तो अब वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है, अब गाइस देखते हैं कि कितनी देर में होल हो जाता है। तो गाइस देखें यहाँ पर जो लगभग गाइस जो होल है ना वो यहाँ पे होने ही वाला है। तो यहाँ पे अब आपको नीचे की तरफ साफ निकलती हुई गाइस दिख जाएगी जब भी इसमें गाइस डायरेक्टली होल होगा। यहाँ पर देखिए होल ये हो चुका है गाइस। इसमें 30 सेकंड मैं कहूँगा गाइस, बिल्कुल भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगा, 30 सेकंड ने इसने यहाँ पे होल करने में लिया है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से होल कर दिया, काफ़ी मोटी लग रही थी, काफ़ी ठोस लग रही थी, ये भी काफ़ी ठोस लग रही है। इसमें भी गाइस हम यहाँ पे होल करके आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे जो लकड़ी का जो बीट आता है गाइस वो ब्लैक वाला आता है, उसको लगाना और भी तेजी पे होल होगा गाइस। अब आप नो कहोगे कि गाइस मेटल में भी होल कर सकती है क्या गाइस? हाँ, जो ऑयल टिन कनस्टर होते हैं या फिर उससे डबल मोटाई की कुछ भी चीज़ हो गई उसमें होल कर देगा ये। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे जो आयरन वाला बीट वो अलग आता है, जो कि गाइस गोल्डन कलर में आता है, वो लेके आना होगा आपको, जब भी गाइस ये आयरन की शीट में होल कर पाएगा। लकड़ी की शीट में होल करना है तो गाइस ब्लैक वाला बीट आता है, आपको वो लाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे इनके सभी के अलग अलग बीट आते हैं, तो आप गाइस बीट को चेंज करना सभी में होल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी गहराई मैं बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इतनी ये जा चुकी है और मैं इसको बाहर निकालूंगा। देखिए इसने इतना होल कर दिया है इसके अंदर, तो मात्र मुझको 20 सेकंड ही लगी है। तो गाइस मैं थोड़ी देर इसको और चलाता होल आर पार हो जाता। तो गाइस देखा ना हमारी जो ड्रिल चक है, ड्रिल बीट है यानी ड्रिल मशीन है, कितनी पावरफुल है जो हमने बनाई है। अगर गाइस आपको वीडियो कहीं से भी कुछ भी मतलब इसका अच्छा लगा हो ना, या फिर चक अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए।